मंत्री सही या मुख्यमंत्री मनेठी AIMS मामले पर जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान। 11 विधायकों से साइन कराकर सीएम के सामने रखी थी मांग। इसके बाद बावल रैली में सीएम ने की थी एम्स की घोषणा। कहा इससे पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी ली गई थी सलाह। दक्षिण हरियाणा को यह बड़ी स्वास्थ्य सेवा की दरकार, इसलिए एम्स भी जरूरी। देखो ये बात तो ठीक है भाई, लड़की को काफ़ी दिन हो गए और बरामद नहीं, उसके लिए हमें भी ज़्यादा दुख हुई। लेकिन जो कार्रवाई मेरे लेवल पे जो भी परिजन आए, SP को कहना हो, थानेदार को कहना हो, DGP को कहना हो, CM को कहना हो, मैं सब लेवल पे इनकी मदद की है और अब भी कर रहा हूँ और आगे भी अगर जो स्टेट कराएंगे। नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसके बार पर? भाई वो तो अब आप ज़्यादा कह सकते, मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन अभी भी अगर स्टेट क्राइम इस मामले में एस्कल होती है तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इसको CBI को भी दिलवाएंगे। ऐसा देखो ये जो वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और इसमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन है भी एक दुर्घटना है, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ठेकेदार को विभाग ने डायरेक्शन दे दिए कि आगे से इस तरह की कोई ना हो और इनको जो भी मुआवजा दिया जाए। सुरक्षा तक के उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे ठेकेदार की तरफ से? देखो डिपार्टमेंट का काम नहीं है ठेकेदार का काम, डिपार्टमेंट तो का काम नहीं, अभी तो ठेकेदार काम कर रहा है जी। तो सीएम साहब का कार्यक्रम मंडी में चल रही है तो उसको देखने के लिए आए थे, किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। तो यहाँ आने से पता लगा कि हमारे यहाँ किसानों को कोई परेशानी नहीं है और बाजरा ठीक दिख रहा है, कुछ कागजों में छोटी मोटी कमी वो ठीक कर दी होने जा रही है। वहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बता रहे हैं कैंसिल हो चुका है, क्या कहेंगे उस पर? ऐसा देखो मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो कई व्यवस्था की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं महापंचायत की, तो उसमें जो एम्स की जो मांग है वो खुद मैंने 11 विधायकों से साइन करवा के माननीय राव इंद्रजीत सिंह से सलाह करने के बाद मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और बावल में ही जब आए थे तब रखी थी, तो उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन ये बात ठीक है कि भाई जो मामला है केंद्र सरकार के अधीन है और वो अब भी प्रयास कर रहे हैं और माननीय राव साहब ने भी एक डीओ लेटर लिखा है और हमने भी JP नड्डा जी को एक चिट्ठी लिखी है कि हमारा जो एम्स है ये मणिपुर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा में कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो राजस्थान का इलाका भी हमारे यहाँ लगता है, तो हमारे यहाँ एम्स बनना चाहिए। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, माननीय राव साहब भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को हमने दोबारा से कहा कि आप इसके लिए प्रयास करें, तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ठीक है सफलता नहीं मिली, लेकिन ना भी नहीं हुई, प्रयास कर रहे हैं वो, अभी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक डीओ लेटर लिखा है और मुख्यमंत्री जी शायद राव साहब मुख्यमंत्री जी के इस पर आप करेंगे।